जैसे सर फंक्शन का नाम है फिल्म स्टोरी अवार्ड ड्रीम अचीवर्स, तो अचीवर जो होता है जो जिंदगी में हासिल करता है, क्या समझते हैं कि अचीव करना क्या होता है लाइफ में? कुछ भी अचीव करना मतलब ये है कि आप जो चीज चाहते हो, जो करना चाहते हो, कहीं पर आपको किसी मुकाम पे ये लगे कि मैंने वैसा कुछ कर लिया है परमात्मा की कृपा से, उसे कहते हैं अचीवमेंट। जैसे आप लोग आज, आपने कभी सपना देखा होगा कि आप पत्रकार बने, आज आप पत्रकार हो, तो इसे कहते हैं अचीवमेंट। सर आपने भी काफी मेहनत की अपनी जिंदगी में, आप इस मुकाम पे पहुंचे, लोगों में पहचान बनाई, लोगों में पहचान बनाई, तो ये अचीव किया आपने, किस तरह से आपको देखते हैं वो सफर को, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, परिवार वालों का सपोर्ट, ये सबके बिना यह मुश्किल था, नामुमकिन था। बिल्कुल होना चाहिए, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा ऐसा मानना है कि जनता का प्यार अगर हमारे नाम हो जाए, इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इससे बड़ा कोई स्मारक नहीं है। और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि क्या कर रहे हैं प्रोड्यूसर के? अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है मेरी, काफ़ी सारी टेंशन मत ले यार आ रही है, तुक्का फिट आ रही है, आधार आ रही है, निर्धार आ रही है, बहुत सारी फिल्में आ रही है। एक आईडी लेना, वो मैडम करो ना, एक्ट्रेस है। देखिए बिना मेहनत के तो और स्ट्रगल किए बिना तो खुदा भी नहीं मिल सकता, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ही खुशी हुई है ये देखकर ये माहौल, क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ज़रूरी है, देखिए आज जो स्ट्रगल है सब लोग लगे पड़े हैं, वो लाइफ में एक स्ट्रगल जिसका नाम है वो अमिताभ जी को भी करना पड़ता है, तो स्ट्रगल जो लाइफ है वो किसी कभी भी कंप्लीट नहीं है, करते जाइए। जो मैंने शेर कहा है कि मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत की आजमाइश का, और क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप में वो जज्बा, आप में वो क्षमता होनी चाहिए जिसको आप इतना लेके चल रहे हैं, और इसी बुलंदी पे ना पहुंचना ये कोई कम बात नहीं है। और जिस तरीके से आज के वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी फैसिलिटी मिल गई है, जब हम लोग स्ट्रगल करते थे उस वक्त तो ये जरिए भी नहीं थे, जो आज इजीली हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला। सर आपने एक आईडी, आपका नाम? आपने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, अचीवर्स अवार्ड है, आपकी नजर में एक अचीवर कौन होता है? मेरी नजर में अचीवर वो होता है जिससे जिसकी फैमिली बहुत खुश है, जिससे अपने जो किरदार, खुद का किरदार है, उससे वो खुद खुश होना चाहिए, और जहाँ से भी आया हो अपने दुखों को बिना सुनाए, बिना लोगों के आगे रोए अपनी चीज़ को अचीव करना और अपने आप को स्टैंड करना, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे हिसाब से वो अचीव हो। आपने जो अचीव किया लाइफ में उसके लिए किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? और अचीव मैं उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला को और मेरी माँ को और मेरे फैंस को क्रेडिट देना चाहूँगा, और मेरे माँ बाप को और अल्लाह ताला को, ओनली इन लोगों को।
मेरी फिल्म आने वाली है लव डे, सबके लगने वाले लव डे है। देखिए अवार्ड अवार्ड होता है, सम्मान सम्मान होता है, चाहे वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, या ये नहीं होता है कि फिल्म फेयर वाला सिर्फ अवार्ड है और बाकी अवार्ड अवार्ड नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से और अपनी हैसियत के हिसाब से कलाकार का सम्मान करता है, और सम्मान वो जो है अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और इसके लिए हर कलाकार को, चाहे वो टेलीविजन से कनेक्टेड हो या किसी भी फील्ड का कलाकार क्यों ना हो, लगता है मोनोपोली टूटनी भी चाहिए। क्या होता है, एक ही अवार्ड होने से क्या होता है, वही 10 चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं, 10 या 12 चेहरे होंगे, यू सी देम एवरीवेयर, सो ईदर यू हैव टू हैव मोर अवार्ड्स, यू नो, सो यू कैन एंटरटेन एंड एडजस्ट मोर पीपल हु रियली आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यू नो, सो इन अ वे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट फ्रॉम पीपल्स पार्ट। लेकिन ये भी जानना चाहूंगा, आज के दौर में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है, लोगों को नाम कमाना, पैसा कमाना इतना ज्यादा हावी हो गया, क्या ये जरूरी है आपकी समझ से? सी, मेरे ख्याल से ये खाली फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, परहैप्स एवरीबडी, बी इट जर्नलिस्ट, आई मीन यू गाइस, बी इट व्हाट यू कॉल अ बिजनेसमैन, बी इट एन एक्टर, बी इट अ सिंगर, एनीबडी, यू नो, फॉर द मैटर, एवरीबडी वांट्स टू हैव इनफ डो एंड मनी इज नेवर इनफ, माइंड दैट, ओके। हाँ, अगर अगर अवार्ड बढ़ गए हैं तो चैनल भी तो बढ़ गए हैं, फिल्में भी तो बढ़ गई हैं, अब हाँ कलाकार भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले तो लिमिटेड था, पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था या लिमिटेड फिल्म्स थी, अब तो देखिए इतनी रीजनल फिल्में हैं, इतनी सारी फिल्में हैं, सभी लैंग्वेज में अच्छी फिल्में बन रही हैं, और इतने सारे चैनल बन गए हैं, अब इतने सारे, अब तो चैनलों ने अपने अपने अवार्ड भी देने शुरू कर दिए हैं, तो सम्मान सम्मान है, अवार्ड अवार्ड है। हाय, मैं सुरेंद्र पाल, हैप्पी ईद, हैप्पी रमजान, रेनबो कर देंगे। सर वहाँ जाना जरूरी है, जरूरी जरूरत अभी आके। हेलो हेलो हेलो, आइए आइए आइए, क्या हाल चाल है, पहुँच जाते हो लोग? बस हमारा काम ही है पहुँचना, और कुछ काम तो है ही नहीं। अभी सर ये ड्रीम अचीवर अवार्ड है, आपने इतना अचीव किया लाइफ में, मतलब संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किया है, आपकी नजर में अचीवर कौन होता है? जो अच्छा काम करे वो अचीवर होता है, जो मेहनत करे, ईमानदारी रखे और बरसों से कुछ पाने की ख्वाहिश रखे और उस मुकाम पे पहुंचे, तो उसका ड्रीम तो ये होता है कि हमें सम्मान मिले, हमें अवार्ड्स मिले, हमें सम्मानित किया जाए। लेकिन कामयाब होना तो सर आसान होता है, लेकिन कामयाबी को बने रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और ये कहना चाहूंगा सर, आज के दौर में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है, तो कितना मुश्किल होता है उसे हासिल करना? नहीं नहीं, और अच्छी बात है कि जितनी कंपटीशन हो, जितने लोग आए जाएं, उसमें अगर आप कुछ अचीव करते हो तो उसका महत्व बहुत देखिए, बहुत अच्छी हौसला अफजाई होती है, और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उसमें आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ भी मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी अचीव करते हो, और आपके अचीव करने के लिए जो लोग आपको ये अचीव कराते हैं, आशीर्वाद रूपी अवार्ड जो भी है अवार्ड है, वो बहुत अच्छा काबिल तारीफ है। जो लोग सबका, पूरे देश का, हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा का, माता पिता का, गुरु का, और उसके साथ में पूरे देश दुनिया की, जहाँ भी जनता जनार्दन, जिन्होंने हमारी इतनी सारी फिल्में देखी और इतना आशीर्वाद, आज भी किसी कोने पर खड़ा हो जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी
हमारा हमारी पूंजी यहाँ खड़ी हुई है और पूरे देश में जिस कोने में जाता हूँ अथाह प्यार मिल रहा है और उससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है और आपको जीवन में कुछ ऐसा प्रयोग करने का मतलब जज्बा मिलता है कि जो आप लोगों को और भी ज्यादा मतलब अपने काम से खुश करें और आगे बढ़ें। जी नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो इसी के लिए बना ही हूँ। मैं स्टेज का बहुत धन्यवाद देता हूँ, टेलीविजन का बहुत धन्यवाद देता हूँ, रीजनल फिल्मों का बहुत धन्यवाद देता हूँ और हॉलीवुड का तो धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबका धन्यवाद देता हूँ हमेशा। जिसके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं तो वही अचीवर होता है। सबके सपने होते हैं, कलाकार हैं, सभी कलाकारों के सपने होते हैं, सभी को लगता है कि किसी दिन स्टेज पर जाएं, सभी को अवार्ड मिले, तो देखिए इसीलिए अवार्ड्स हैं। जो भी एक इंसान कुछ सोचता है कि मुझे ये अचीव करना है और वो अचीव करने के लिए कोशिश भी करता है, मेरे लिए तो वो भी अचीवर है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई जो सोचता है उसको मिलता नहीं, बट एटलीस्ट वो पाने के लिए कोशिश करना इट्स अ वेरी बिग थिंग। देखिए एक रोल होता है, रोल में कलाकार होता है, कलाकार को वो रोल अच्छे से निभाना होता है तभी लोगों को पसंद आता है। अब कंपटीशन है, लोग बहुत सारे होते हैं तो कंपटीशन छट जाता है, वो जब जरूरत का कलाकार चाहिए तो कंपटीशन अच्छा है, इट्स ऑलवेज हेल्दी, आपको फिट रखता है, आपको ऑलवेज यू आर ऑन द टूज एंड यू ऑलवेज कम्पीटिंग बिकॉज ऑलवेज न्यू पीपल आर कमिंग एंड यू स्टिल डूइंग वर्किंग। और ये हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कहीं से भी डॉक्टर भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, हम नहीं बन सकते, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। आई थिंक देखिए कामयाबी तो किसी को किसी भी तरीके से मिल सकती है, लेकिन हमारी फील्ड में एक सक्सेस पाने के बाद उसको रिटेन करना और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते जाना और सालों तक इसी को प्रोफेशन बनाए रखना।